हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की एकदम न्यू रेसिपी, जो कि बड़े और बच्चे सभी को पसंद आएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, मात्र 5 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएंगे। और ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी होता है। इस रेसिपी में तेल का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऑयल फ्री बनाएंगे हम इस रेसिपी को। वीडियो के एंड तक देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलकर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आम ले लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब इस तरीके से तीनों का ऊपर का भाग कट कर देना है, जहाँ से इसका जोड़ होता है, तो ब्लैक वाले पार्ट को निकाल देना है। अब इसका ऊपर का छिलका निकाल देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए इसी तरीके का फ्रेश आम लेना है, ताकि इसे ग्रेट करने में और ये छिलका उतारने में आसानी हो। पीले वाले आम ना लें। इस रेसिपी को आप 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने सारे आम को छिलके निकाल लिए हैं। अब एक ग्रेटर मैंने ले लिया है, इसे ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकस कर लेना है। आपके पास इससे मोटे वाले ग्रेटर है तो उससे भी कर सकते हैं, मेरे पास मीडियम साइज के हैं तो इसी से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली ग्रेट हो जाता है। आम का जो बीज होता है उसे निकाल देना है, उसे नहीं ग्रेट करना है, जो बाइट बाइट वाले होते हैं। तो देखिए इस तरीके से चारों तरफ से इसे ग्रेट करना है। तो अब मैंने सारे आम को ग्रेट कर लिया। यहाँ पर मैंने अदरक भी लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में ग्रेट किए हुए आम को डाल देना है। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे ही मैंने डाल दिया है डायरेक्ट। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी चीनी, आप चाहें तो चीनी या गुड़ या मिश्री भी ले सकते हैं इसके जगह। अब इसे ऐसे ही ढक देना है 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ, तो देखिए चीनी मेल्ट हो गया है, तो इसे मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने यहाँ पर अचार का मसाला लिया है, और थोड़ी सी नमक, और ग्रेट किए हुए अदरक। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, आप चाहे तो किशमिश डालें या तो इसके बिना भी बना सकते हैं। मैं इस रेसिपी में किशमिश ज़रूर ऐड करती हूँ, कभी किशमिश या कभी खजूर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाना है, तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है। इसे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हुए हैं और काफ़ी हद तक यह गल गया है। अब इसे एक बार और ढककर पकाऊंगी 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। अब देखिए आम की रेसिपी बनके हो गई रेडी। आप इसे मुरब्बा भी बोल सकते हैं, या लौंजी, या चटनी, कुछ भी इसे आप नाम दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे बनाया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। आम की खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी बनके हो गई है रेडी, और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, या रोटी पराठे के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। अब इसे सर्व करते हैं। इस रेसिपी को आप 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, और इसे बच्चे को जरूर दें, इससे बच्चे की दिमाग तेज होती है। और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खुशबू इतना अच्छा आता है कि पूरे किचन में इसका खुशबू फैल गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।